तो दोस्तों आईपीएल 2024 में आज हमें एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला में राजस्थान रॉयल बनाम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला देखने को मिला। आज का ये मुकाबला में पूरी तरह से कंप्लीट हो रही आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में आईपीएल 2024 का नया पॉइंट टेबल हम आपको बताने वाले, कौन सी टीम कौन से पोजिशन पर है और कौन सी टीम के पास कितना अंक है, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी आईपीएल के एक बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप आईपीएल 2024 से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो बढ़ते आगे, आईपीएल 2024 के नए पॉइंट टेबल के मुताबिक पॉइंट टेबल पे जो आखिरी पोजीशन पर है वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 3 मुकाबले खेले गए। तीनों मुकाबले में मुंबई इंडियन को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 0 पॉइंट है। उनका नेट रन रेट हमें -1.423 का देखने को मिल रहा है। वही मुंबई इंडियन को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 11 मुकाबले में से सिर्फ 8 मुकाबला जीतना जरूरी। वही मुंबई इंडियन का अगला मुकाबला में 7 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 9वे पोजीशन पर है वह ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से दिल्ली कैपिटल को सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है। उनका नेट रन हमें -1.37 पर का देखने को मिला है। वही दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 7 मुकाबला जीतना जरूरी। वही दिल्ली कैपिटल का अगला मुकाबला में 7 अप्रैल को मुंबई इंडियन के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 8वें पोजीशन पर है आज का मुकाबला हारने वाली टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है। उनका नेट रन रेट हमें माइनस में काफी खराब देखने को मिला है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 7 मुकाबला जीतना जरूरी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का अगला मुकाबला में 11 अप्रैल को मुंबई इंडियन के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 7वें पोजीशन पर है वह सुमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से गुजरात टाइटन को 2 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में गुजरात टाइटन को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है। उनका नेट रेट हमें -0.580 का देखने को मिल रहा है। गुजरात टाइटन को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। गुजरात टाइटन का अगला मुकाबला में 7 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 6वें पोजीशन पर है वह शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से पंजाब किंग को 2 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में पंजाब किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है। उनका नेट रन हमें -0.220 का देखने को मिला है। पंजाब किंग को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। पंजाब किंग अपना अगला मुकाबला में 11 अप्रैल को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे।
वही पॉइंट पे जो पांचवे पोजीशन पर है वह पैड कमिंस की कप्तानी वाली सनद हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से सनद हैदराबाद को 2 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में सनद हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट उनके पास 4 पॉइंट है। उनका नेट रैना में +0.4209 का देखने को मिला है। वो सनद हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वो सनद हैदराबाद का अगला मुकाबला में 9 अप्रैल को पंजाब किंग के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो चौथे पोजीशन पर है वह केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 3 मुकाबले खेले गए, जिनमें से लखनऊ सुपर जायंट को 2 मुकाबले में जीत मिली और 1 मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट स्टेप उनके पास 4 पॉइंट है। उनका नेट रन में +0.4283 का देखने को मिला है। वही लखनऊ सुपर जायंट को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 11 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही लखनऊ सुपर जायंट का अगला मुकाबला में 7 अप्रैल को गुजरात टाइटन के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है वह ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से चेन्नई सुपर किंग को 2 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट उनके पास 4 पॉइंट है। उनका नेट रन में +0.517 का देखने को मिला है। वही चेन्नई सुपर किंग को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही चेन्नई सुपर किंग का अगला मुकाबला में 8 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है वही श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 3 मुकाबले खेले गए, तीनों मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत मिली। पॉइंट स्टेप उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट रन में +2.51 कैट का देखने को मिला है। वही कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 11 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला में 8 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है आज का मुकाबला जीतने वाली टीम राजस्थान रॉयल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, चारों मुकाबले में राजस्थान रॉयल को जीत मिली। पॉइंट के उनके पास 8 पॉइंट है। उनका नेट रन में प्लस में काफी शानदार देखने को मिल रहा है। वही राजस्थान रॉयल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 4 मुकाबला जीतना जरूरी। वही राजस्थान रॉयल का अगला मुकाबला में 10 अप्रैल को गुजरात टाइटन के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। ये थी आईपीएल 2024 का आज का नया पॉइंट टेबल। वही आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 में कल हमें 2 मुकाबले खेले जाने वाला है, तो पहला और दूसरा मुकाबला कौन कौन सी टीम जीतने वाली है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वही आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।